हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं उपवास के लिए और एक रेसिपी लेके आई हूँ, समा चावल और उसके साथ बनाने के लिए करी। तो ये मैंने समा चावल जो लिए है, जिसे भगर भी बोला जाता है, वराई भी बोला जाता है, तो ये 1.5 कटोरी मैंने लिए हैं। तो इसको पहले भूनना है। मतलब ज़्यादा ब्राउन या कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, पर 1-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है हमें। फिर पानी गरम करेंगे हम इसको। और इसके साथ जो करी बनाने वाले हैं, उसके लिए हमने ये मूंगफली है वो सेक के रखी है, रोस्ट की है, और ये हरी मिर्च जाएगी उसके साथ, और 1 उबला हुआ आलू जाएगा। देखिए, ये समा चावल भून के हो गया है, अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये 1.5 कटोरी लिया है हमने, तो इसके डबल पानी लेना है। 3 से 3.5 कटोरी पानी लेंगे हम इसके लिए। पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। ये मैंने 3 कटोरी पानी लिया है, और इसमें नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। इसकी कुछ खास टेस्ट नहीं रहती समा चावल की। बेबी घूम के आई है अभी, अनीरा। उसे घूमना बहुत पसंद है, नीचे जब देखो तैयार रहती नीचे घूमने के लिए। अब पानी को उबाल आने देंगे, फिर इसमें हम ये समा चावल डालेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, तो हम इसमें समा चावल ये डाल देंगे। ये फूल के बहुत होता है, इसलिए आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लें कितने लोग खाने वाले हैं। इसे अच्छे से स्टर करेंगे और धीमी आंच पे ढक्कन रख के पकाएंगे। जब तक ये समा चावल बनेंगे, तब तक हम इसके लिए जो करी है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें जाएगी ये मूंगफली, इसे मराठी में आमटी बोला जाता है, व्रत के लिए खाने जाने वाली भात आमटी। ये जीरा डालेंगे, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसको पानी के साथ पीसेंगे, बारीक पीसना है इसे। अब हम इसके लिए करी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें घी में बनाना है, ये घी डाला है होममेड। ये घी डाला है, घी गर्म होने के बाद इसमें तड़के में जाएगा जीरा। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। जब तक ये जीरा चटक रहा है, तब तक हम ये जो पीसा है मैंने, उसमें पानी डालेंगे, ऐसे पतला बनाएंगे। अच्छी लगती है ग्रेवी बहुत, खिचड़ी के साथ भी अच्छी लगती है, खिचड़ी के साथ भी बना सकते हैं आप। कुछ लोग पानी की जगह बटर मिल्क डालते हैं, और कुछ लोग आम सुन। ये जीरा चटक गया है, अभी ये इसमें डालेंगे हम, आराम से करना है, और इसे हिलाते रहना है, ये दही की कढ़ी की तरह फट जाएगी, पानी जाएगा और इसमें। पकाना है हमें इसे, कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। और ये जो आलू है उबला हुआ, इसे स्मैश करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे।
खट्टा मीठा भी अच्छा लगता है ये। खटास के लिए आप इसमें कुछ और डाल सकते हैं, बटर मिल्क डाल सकते हैं, थोड़ा सा दही डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। हम शाम में खा रहे हैं इसलिए हम खट्टा नहीं खाते शाम में। और इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे इसमें। चीनी से टेस्ट आता है, ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है, टेस्ट के लिए चीनी डालनी है। नमक डाला है इसमें, शक्कर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 से 1.5 चम्मच। आपको अच्छा लगता है तो डालें, नहीं अच्छा लगता है तो मत डालें। और ये स्टर करते रहना है, नहीं तो ये फट जाएगा जैसे कढ़ी फटती है वैसे। आज व्रत है हमारा, साइड बाय साइड ये भी पक रहा है समा चावल, उसको हिसाब से पानी डालें। मैंने जो ढक्कन ढका है उसके ऊपर पानी रखा है, अगर पानी कम पड़ जाए तो ये पानी डालेंगे गर्म उसमें। देखते हैं इसको एक बार, देखो क्वांटिटी देखो आप, मैंने कितना लिया था, ये फूल के कितना हो गया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे एक बार मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए, और ढक के पकाएंगे 5 मिनट। इसकी कुछ टेस्ट नहीं रहती इसलिए ये आमटी के साथ खाया जाता है, आमटी बहुत टेस्टी लगती है। एक उबाल आने तक ही हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम से हाई फ्लेम में पका रही हूँ मैं अभी से। आप व्रत में अगर कोरिएंडर खाते हो तो डाल सकते हो काट के इसमें। सासू माँ आई है देखने के लिए मैंने कैसे बनाया, उन्हीं की रेसिपी है, मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता था, उन्होंने ही सिखाया बहुत कुछ। टेस्ट कैसी होती है देखेंगे बाद में। अभी इस उबाल के लिए वेट कर रहे हैं। आपकी नवरात्रि कैसे जा रही है, बहुत धूम कर रहे होंगे आप, गरबा डांडिया, हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। कहते हैं व्रत करना बहुत मुश्किल है, क्या खाए क्या ना खाए टेंशन होती है, पर बहुत सारे टेस्टी ऑप्शन है व्रत के लिए भी। मैंने भी एक दो रेसिपी शेयर की है, आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं या फिर ऐसे ही कभी भी बना के खा सकते हैं टेस्ट चेंज के लिए। ये हमारी आमटी करी रेडी है, इसमें उबाल आ गया है, और यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी है, अच्छे से पक गए हैं सॉफ्ट, अभी हम खाएंगे। ऐसी ही इजी क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।